नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की बढ़ती घटनाएं बढ़ती जा रही है। यहां पर 6 जनवरी को बता दें कि 603 घरों में दरारें आ गई। इसके दौरान बता दें कि 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। इनमें से 44 परिवार जो है फिलहाल सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जोशीमठ में कम से कम 9 वार्डों में दरारें और साथ ही भूमि धंसने की घटनाएं देखने को मिल रही है। और साथ ही जोशीमठ के गांधीनगर से रविंद्र ग्राम वार्डों में भी सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार दोपहर करीब 1 बजे जोशीमठ का सर्वे करेंगे और साथ ही बता दें कि प्रभावित से मिलेंगे और साथ ही जिला प्रशासन से प्रभावित परिवारों को ठहरने के लिए 1271 लोगों की क्षमता वाले 229 कमरों की पहचान की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम ने बैठक में कहा है कि तत्काल सुरक्षा स्थिति पर बड़ी स्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाए। जोशीमठ में सेक्टर और जोनल वार योजना बनाई जाए। तत्काल जेंजर और जोन को खाली करवाया जाए। साथ ही आपदा कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया जाए, जिसके बाद से अधिकारी कार्रवाई में जुट गए हैं। और देखिए जोशीमठ की ये तस्वीर, जहां पर लगातार जो जमीन है वो धंसती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से आज पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचेंगे और इस दौरान वे वहां के लोगों से भी बातचीत करेंगे। और साथ ही बता दें कि 6 और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ पुष्कर सिंह नेगी जुड़ गए हैं। पुष्कर, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जोशीमठ में जो घरें हैं वो धंसती हुई नजर आ रही है, दरारें आ रही है जमीनों पर, घरों में दरारें आती हुई नजर आ रही है, आज पुष्कर सिंह धामी बैठक आज वहां पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ वहां की स्थिति बनी हुई है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए सुनानी, पुष्कर सिंह धामी का दौरा जो है आज जोशीमठ का है, जनपद चमोली का है, क्योंकि पिछले एक साल से जो है यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो है जोशीमठ बचाओ अभियान के तहत एक सरकार को जगाने का इन्होंने भी काम किया। लेकिन जब जोशीमठ के 9 के 9 वार्डो में 561 घर से ज्यादा जो है यहाँ पे दरारें आ चुकी हैं, और उसके बाद जो है शासन प्रशासन जो हरकत में आया, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो जोशीमठ का जो भू दशाव की जो खबरें चली थी, उसके बाद जब पिछले एक हफ्ते से जिस तरह की वहाँ पे जो घटनाएं सामने आई, जमीनें फटी, मकानें टूटी और जमीन से पानी बाहर निकला, उसको लेकर अब जो है चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे आपका पीएमओ हो, सभी लोग जो है अब हरकत में आए, क्योंकि 9 के 9 परिवारों में 561 लोगों के जिनके घर बर्बाद हो गए हों या जिनके घर फट गया हो, उनको लेकर जो है आज पुष्कर सिंह धामी ने कल शाम को जो हाई लेवल मीटिंग तो जरूर सचिवालय में की है और सख्त से सख्त निर्देश जो है जिला अधिकारी को दिए हैं कि जो डेंजर जोन है या जहाँ पे ऐसी घटना न हो उनको तुरंत खाली करा दिया जाए। सोनाली, सबसे बड़ी बात यह है कि भू गैर, चाहे वो बाटा इंस्टीट्यूट देहरादून हो, या IIT रुड़की हो, या जो भाजपा की जो एक कोर कमेटी की कमेटी यहाँ पे भी बनाई गई थी, उसको भी जोशीमठ के सर्वे के लिए भेजा गया। हालांकि मुख्य सचिव भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आपका जो है आपदा प्रबंधन सचिव भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, गढ़वाल आयुक्त भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, 3 दिन से उनका डेरा जो है जोशीमठ में ही है। हालांकि किस तरह की कार्रवाई होगी या किस तरह की जो धरातल पर जो किस तरह का जो जिन लोगों के मकान टूटे हैं या मकानों में दरार आई हैं या होटल व्यवसायी या सड़कें फटी हुई हैं, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि किन लोगों को जो है मुआवजा मिल पाता है या इनका जो है पुनर्वास किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, तो आने वाला समय बताएगा समय। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए, उनका दौरा जो है सुनील गांव से लेकर और आपका जो है जोशीमठ जो 9 के 9 वार्ड है, इनका सर्वे जो गढ़वाल आयुक्त हैं और जो आपदा सचिव हैं रणजीत सिन्हा हैं और सुशील कुमार हैं, वो जनपद चमोली में अपना डेरा जमाए हुए हैं। हाँ, हालांकि आज का जो 11:55 पे जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री 2:30 बजे के तक वहाँ जोशीमठ में रहेंगे और वार्डों का निरीक्षण करेंगे और यहाँ पे जिन लोगों के घर ज्यादा क्षतिग्रस्त होंगे हो सकता है उनसे भी मुलाकात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात सुनाली ये है कि जो कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी जोशीमठ पहुंच चुके हैं और सुबह ही पहुंचने, हो सकता है कि आज को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विरोध का जनता की जो जोशीमठ की जनता इसका विरोध भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन वो आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पे होता है। लेकिन
कुछ हो सकता है। पुष्कर मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ये जिस तरीके से तस्वीर हम देख रहे हैं वहाँ की, क्या इसका मुख्य कारण अलकनंदा नदी और साथ ही ग्लेशियर वाले पहाड़ है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोनाली मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चाहे भू वैज्ञानिक हों या चाहे IIT रुड़की के वैज्ञानिक यहाँ पे गए हों या बाड़ा इंस्टीट्यूट के जो लोग यहाँ पे गए हों, उनका केवल यही है कि जब शंकराचार्य जी ने जोशीमठ को बसाया था या जोशीमठ को जिस तरह से एक टीले में या मिट्टी के टीले में जो अलग अलग जो है वाक्य जो सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अलकनंदा का गवरैणी में 2021 में जो आपदा आई थी उसके बाद जो अलकनंदा का नदी में जो भूमि कटाव कर रहा, हो सकता है ये भी कारण हो, लेकिन ये कारण बाद में पता चलेगा क्योंकि अभी जो है इस पे सर्वे चल रहा है, अभी इस पे जानकारी देना पुख्ता नहीं होगा कि किस कारण। लेकिन NTPC की जो टनल बननी है, सबसे लोगों का जो आक्रोश है NTPC के खिलाफ है, क्योंकि NTPC की जो टनल बननी है हेलंग से लेकर आपका सेलंग गाँव, यानी जो ये टनल यहाँ पे NTPC की बन रही है, इस टनल को लेकर जो है यहाँ की जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला, और हो सकता है कि वही टनल जो है क्योंकि जोशीमठ के नीचे नीचे जाती है सेलंग गांव से लेकर और आपका जो है आगे सुनील तक इसको जाना है, तो हो सकता है कि ये प्रभाव इससे पड़े। लेकिन ये आने वाले समय में वैज्ञानिक जब अपनी रिपोर्टें हैं तख्ता करेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, या आपने जो भी यहाँ पे PMO भी इसमें डायरेक्टली मॉनिटरिंग कर रहा है और आज जो है तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो आने वाले समय में पता चलेगा किस तरह का ये भूमि कटाव से हो रहा है या अलकनंदा नदी या तमाम सारी, क्योंकि जोशीमठ का अस्तित्व जो है खतरे में देखने को मिली समय मिल रहा है। पुष्कर ये भी एक सवाल उठता है, जिस तरीके से जोशीमठ में ये तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से वहाँ की जमीन धस रही है, घरों में क्रैक देखने को मिल रहा है, और बताया ये भी जाता है कि जोशीमठ से जो बद्रीनाथ है वो सिर्फ 45 किलोमीटर है और हेमकुंड जो है वो सिर्फ 37 किलोमीटर है, तो इसको लेकर अब पर्यटक के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, किस तरीके से वहाँ पे जब लोग ही सुरक्षित नहीं है तो पर्यटक कैसे आएंगे वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सोनाली, देखिए आपने सही कहा कि जोशीमठ जो है चाहे बद्रीनाथ का मुख्य केंद्र यहाँ पे पड़ा हो या आपका हेमकुंड का हो, सबसे बड़ी बात जो है ओली, सबसे नजदीक जो है ओली डेस्टिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओली एक ऐसा पैलेस यहाँ पे है या ऐसी एक जगह यहाँ पे है कि चाहे विंटर हो चाहे आपका समर हो, दोनों सीजन में यहाँ पे पर्यटक पहुंचते हैं और लुत्फ लेते हैं। पर्यटकों को लेकर अभी सरकार की अगर मैं बात करूँ तो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर दी है और यहाँ का जो रोपवे है इसको भी बंद कर दिया गया, हालांकि जो 2023 की, क्योंकि अब कुछ समय बाद जो है सुनाने सबसे बड़ी बात है कि चार धाम यात्रा जब बसंत पंचमी के जब त्यौहार भी आने वाला है, दो या तीन दिन बचे, उस दिन जो है चार धाम यात्रा की जो 2000 की जो यात्रा है इसकी तारीखें भी विभिन्न, चाहे वो बद्रीनाथ की कपाट खुलने की तारीख हो, चाहे वो केदारनाथ की हो, चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री, वो भी कर दी गई, वो भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से पर्यटक उत्तराखंड में पहुंचता है जोशीमठ को लेकर, जिस तरह से जमीन धसने की जो खबरें सामने आ रही हैं या जमीन धसने का जिस तरह से रुख है, लेकिन एक ये भी रीज़न देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ के सीवर सिस्टम है और साथ ही जिस तरीके से उत्तराखंड में पहाड़ों में विस्फोट किया जाता है सड़क बनाने के लिए और तमाम चीज़ें बनाने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। लेकिन भले अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अब पहाड़ों में विस्फोट नहीं करने को कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी वजह है जो पहले जिस तरीके से उत्तराखंड को एक पर्यटक क्षेत्र के लिए जिस तरीके से विस्तार करने के लिए इस तरीके के विस्फोट किए गए हैं, सड़क बनाए गई है, तमाम चीजें की गई है, ये भी कहीं ना कहीं कारण हो सकती है। पुष्कर ये भी जानना चाहूंगी सरकार के पास अब प्लान ए क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोनाली सरकार के पास प्लान ए की आपने बात करें तो सरकार ने जिस तरह से जो NTPC का वहाँ पे काम चल रहा था उस पर रोक लगा दी है, जो निर्माण कार्य यहाँ पे चलते, चाहे आप भवन निर्माण कह लीजिए या आप जो है NTPC के जो टनल बनने हैं इसको रोक दिया गया है, और उसके बाद जो है THDC के वहाँ पे कार्य हो रहा था उसको भी रोक दिया गया है, और जो सबसे बड़ी बात जो थी कि जो चारधाम यात्रा की जो प्रोजेक्ट यानी चारधाम यात्रा जो नेशनल हाईवे बन रहा था इसको भी रोक दिया गया है जोशीमठ वाले एरिया में, तो कहीं ना कहीं सरकार उस समय प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी डायरेक्टली इसमें मॉनिटरिंग करें कि जोशीमठ का अस्तित्व कैसे बचाया जाए। सवाल यही है कि जब 1.5 साल पहले से जो जोशीमठ की जो जनता थी सरकारों को कह रही थी कि जो टनल NTPC का जो टनल यहाँ पे बनना को रोक लगा दिया, आपने पिछले सालों आपने देखा होगा, जब जो महिलाओं का घास यहाँ पे छीना जाता उसी का विरोध था ये,
लेकिन वो विरोध अब खुल के सामने आ रहा है, सामने दिख रहा है कि धरती फट रही है। उसके बाद जोशीमठ के जो लोग हैं वो दहशत में जी रहे हैं, किसी के मकान फट जा रहे हैं, किसी का आशियाना उड़ जा रहा है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर दौरा भी है और एक कमेटी भी यहाँ पे बना दी गई। तीन दिन में जो है, चाहे वो पीएमओ हो चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, इसको जो है तीन दिन में जो अपनी रिपोर्ट देनी है, सौंपनी है जोशीमठ को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम आज का रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम होगा, किस तरह से लोगों के बीच मुख्यमंत्री जाएंगे और किस तरह से इनको समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री ने जो सचिवालय में कल एक हाई लेवल मीटिंग करी थी, इसमें 4000 रुपए देने की भी जो बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही थी कि यदि कोई घर बेघर हो गया या किसी का घर क्षतिग्रस्त हो गया, उसको जो 4000 किराए के नाम पे जो देने की जो जिला अधिकारी है चमोली है, इनको जो है इसके आदेश भी दिए गए। लेकिन ये आने वाला समय में पता चलेगा कितने लोगों को ये 4000 रुपए मिल पाता है। लेकिन जोशीमठ की जो स्थिति है, जोशीमठ का चाहे सड़क हो, चाहे आपका होटल हो, चाहे आपका जोशीमठ का जो शंकराचार्य, सबसे बड़ी बात जो है कि शंकराचार्य का ने इसको बताया था, शंकराचार्य यहाँ पे जो 500 साल पुराना जो बरगद का पेड़ है, या ये भी इसके भी दरारें पड़ गई, तो सोचने वाली विषय है। और इससे जो है, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, उत्तराखंड सरकार हो, चाहे आपका भारत सरकार हो, नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा किस तरह से जो जोशीमठ की जो जनता है, जोशीमठ के जो ग्रामीण है, इनको किस तरह की सेवाएं जो है चाहे उत्तराखंड सरकार दे पाती नहीं दे पाती है, या इनका पुनर्वास। जिस तरीके से जोशीमठ की ये तस्वीर है, 603 घरों को खाली करवाया गया है, 44 परिवारों को शिफ्ट किया गया है, इसको लेकर अब ये देखना होगा कि सरकार अब आगे क्या निर्णय लेती है, सरकार के और क्या कुछ प्लान बनाती है और वहां के लोगों के लिए अब क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी। पुष्कर सिंह नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया पुष्कर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, और आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। आप इस मामले को लेकर नजर अपनी बनाए रखें। और बता दें कि ये जोशीमठ की तस्वीर है, जहां पर लगातार बता दें कि घरों में क्रैक देखने को मिल रहा है, जो वहाँ की ज़मीन है वे फटती हुई नज़र आ रही है, जिसके बाद से अब सरकार जो है वहाँ को लेकर जो वहाँ के परिवार है उसको शिफ्ट किया गया है, और आगे भी सरकार इस मामले को लेकर तमाम तरीके की क्या कुछ निर्णय लेती है, इस पर नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। यूपी में राजनीतिक स्थिरता, बेहतर कानून व्यवस्था और बढ़ते हुए विकास को देखते हुए 12.5 लाख करोड़ के निवेश होना जा रहा है। विपक्ष के नेताओं ने इसका स्वागत करना चाहिए। 2017 से पहले यूपी के गुंडों माफियाओं का प्रदेश माना जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था बेहतर है और राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए दुनिया भर के लोग प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव को फोबिया हो गया है, उन्हें कार्यालय में गुंडे माफियाओं का कब्जा रहता था, गुंडे थाना चलाते थे और उन्हें आलोचना करने की आदत पड़ गई है। उन्हें चश्मा बदलकर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। बुलडोजर शांति का प्रतीक है और बुलडोजर से गुंडे माफियाओं के छाती पर चढ़कर यूपी से आतंक खत्म किया गया है। सरकार ने यूपी में पर्यटक को बढ़ाने के लिए इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया है, जिसमें पर्यटक विभाग समेत 9 विभाग शामिल है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल की यात्रा को सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है। झांसी में महोत्सव में नाबालिग बच्चों के सहारे ही इलेक्ट्रॉनिक झूले चल रहे हैं, जिसके बाद भी मेला प्रबंधक समिति नजरअंदाज करती नजर आ रही है। वहां की प्रशासन की नजर बनाए रखने के लिए मेला प्रबंधक को चेतावनी देने की जरूरत है, जिसके चलते कोई भी घटना घटित ना हो सके। अब खबर ललितपुर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ललितपुर के निर्देश में अभियान चलाया गया है, जिसमें गरीबों को ठंड से राहत दिलाने के लिए ललितपुर पुलिस ने यह सराहनीय कार्य देखने को मिला है। वहीं मौके पर सीओ सिटी अभय नारायण और साथ ही यातायात उपनिरीक्षक अभेंद्र सेठ सहित यातायात पुलिस के पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद दिखे हैं। वहीं ललितपुर में कोर्ट से तारीख करके घर वापस लौट रहे प्रमोद अज्ञात वाहन के एक्सीडेंट की शिकार हो गए हैं। इस दौरान प्रमोद 5-4 घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे और एम्बुलेंस उन्हें नहीं मिल पाई है, जिसके बाद से वहां जिला पंचायत सदस्य मनोज कुशवाहा निकल रहे थे, जिसकी नजर
मनोज कुशवाहा, बता दें कि मनोज कुशवाहा की नजर उन पे पड़ी और इस दौरान मनोज कुशवाहा ने अपनी कार रोककर पूरा मामला समझा तो पता चला कि एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे प्रमोद पाल को एम्बुलेंस की सहायता नहीं मिल पाई है, जिसे जिला अस्पताल सदस्य अपनी प्राइवेट वाहन में रखकर जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, तब कहीं जाकर उसका उपचार हो पाया है। वहीं चिकित्सकों ने प्रमोद पाल को हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। महिलाओं का विश्वविख्यात संगठन गुलाबी गैंग को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव वर्ष पर अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर ठंड से निजात दिलाने के लिए 1100 गरीब महिलाओं की कंबल वितरण किए गए हैं। बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के हाथ से ही कंबल पाकर गैंग की महिलाएं खासी प्रसन्न नजर आई है। वार्षिक सम्मेलन में गुलाबी एक जुलूस निकालकर नारेबाजी भी की गई और महिलाओं को हक और अधिकार मिलाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। 1100 कंबल हमने वितरण किया, जैसे हमारे परिवार की गुलाबी गैंग की जो महिलाएं हैं उनको ये हर साल हम, क्योंकि मजदूर और गरीब तो हम लोग हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और गरीब भी हैं, तो हर साल की तरह हमने 1100 कम्बल अपने परिवार को नई साल में गिफ्ट दिया। ये हम नहीं कह सकते कि हमने अपनी महिलाओं को दान किया, क्यों? क्योंकि गरीब वो हैं और गरीब हमें, और वो मेरा एक परिवार है। महोबा जिला अस्पताल में घायल को प्लास्टर चढ़ाने के लिए एवज में रिश्वत मांगने पर पीड़ित ने पुलिस बुला ली और मौजूद डॉक्टर पर पैसा मांगने का आरोप लगाया है। बता दें कि मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने पीड़ित की समस्या को सुनते हुए निःशुल्क इलाज किए जाने की बात पर मौजूद स्टाफ को डॉक्टर न होने की बात कहकर मामले को टाल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महोबा जिला के अस्पताल आए दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही अनियमितताएं बढ़ने के कारण ये अस्पताल काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है ताकि आने वाले मरीजों को आर्थिक और शारीरिक परेशानी न उठाना पड़े। लेकिन यही नहीं, अस्पताल में हो रही लापरवाही का उजागर करने पर कवरेज रोकने के लिए CMS ने अस्पताल के पोस्टर भी चिपका दिया है, साथ ही मीडिया को कवरेज करने से रोकने की नीयत से पोस्टर भी लगाकर बता दें कि गलतियों को नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है पुलिस। हम ये इस लड़के को दिखवाने आए, इन्होंने एक्सरा करवाया, यहाँ एक्सरा नहीं हुआ, बाहर से हम एक्सरा करवा के लेके आए, बोले फिर बाद में अंदर लुवा गए, बोले फीस जमा करो 350 रुपये प्लास्टर बांधे का। हमने बोला, फिर मैं गया तो मैंने बोला कि प्लास्टर का किस चीज़ का पैसा, सरकारी किस चीज़ के लिए है हॉस्पिटल, ये बोला, बोले नहीं प्लास्टर का फीस लगेगी। तो मैंने कहा प्लास्टर का पैसा लगेगा तो हम प्राइवेट में करवा लेंगे, जब ऐसी कोई बात है, सरकारी नहीं तो किस चीज़ का सरकारी है। वो बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम बाद में पैसे के लिए एग्री हुए तो बाद में बोले कि अब तुम मूसर भी खड़े हो जाओ तो अब प्लास्टर नहीं बांधेंगे हम। हरदोई में दिल्ली जैसी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल बता दें कि साइकिल से कोचिंग जा रहे छात्रा को कार सवार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद छात्रा के पैर पर कार फंस गया और जिसके बाद से कार सवार काफी दूर तक छात्रा को घसीटता रहा। किसी तरह के बाजार में पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने कार को रुकवाया और छात्रा को बाहर निकाला। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर कार को पलट दिया और कार सवार पर जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया है और छात्रा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि ये दिल दहला देने मामला जो है थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां शहर के झबरापुरवा मोहल्ले के रहने वाली हरि नाम का 15 वर्षीय बेटा केतन सनातन धर्म से इंटर कॉलेज में नवी का छात्र है। इस मामले में CO विकास जायसवाल ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। छात्रा का पैर एक वाहन में फंस गया था, उसके छात्र खींचता चला गया और साथ ही घायल छात्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। चालक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। कोतवाली शहर के पूजा होटल के पास एक 15 वर्षीय बच्चे की जो साइकिल है उसे वैगनार से टकरा गई। टकराने के बाद बच्चे का पैर उस वाहन में फंस जाने के कारण बच्चा घिसटता चला गया। आगे जाकर वैगनार कार को आगे रोका गया, जिसमें बच्चे को बचाया गया। बच्चा घायल है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और जो वैगनार का चालक है उसको हिरासत में लिया गया है, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अपर पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा रविंद्र कुमार वर्मा और साथी मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने संयुक्त निर्देश पर गोरखनाथ मंदिर परिसर मेला क्षेत्र में मकर संक्रांति खिचड़ी मेला दृष्टिगढ़ से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से अग्निशमन अधिकारियों कर्मचारियों को अग्निशमन वाहन उपकरणों के सहित खिचड़ी मेला क्षेत्र में फायर सर्विस गोरखपुर द्वारा अकादमी मोबाइल का आयोजन किया गया है, जिसमें फायर सर्विस गोरखपुर द्वारा गैस सिलेंडर विद्युत की आग को बुझाने का प्रयास करने के उपस्थित जन समूह और साथ ही दुकानदारों को आग बुझाने की परीक्षण प्रदान कर जागरूक किया गया है। मॉक ड्रिल में एक फायर ट्रेंड और साथ ही एक वाटर मिक्स हाई प्रेशर मेला क्षेत्र में दो बुलेट मोटरसाइकिल और साथ ही वैध बैंक पैन और साथ ही अग्निशमन अधिकारी गोलघर ब्रिजमोहन सिंह, प्रभारी निरीक्षक मंदिर सुरक्षा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परामंद पांडे और लिजिट फायरमैन फायर सर्विस चालक फायरमैन और साथ ही पुलिस ने कर्मचारी मौजूद रहे हैं। सर, आज फायर सर्विस गोरखपुर के द्वारा गोरखनाथ मंदिर में फायर सर्विस के मॉक ड्रिल को लेकर क्या क्या तैयारी की गई सर, पब्लिक में इसे क्या जागरूकता बताई गई? सर, किसी भी आपातकालीन स्थिति में आग अगर लगे मेले के दौरान तो फायर सर्विस पहुंचने से पहले दुकानदारों द्वारा अगर गैस में आग लगती है या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होती है तो कैसे उसको कंट्रोल करें, उनको जो है अग्निशमन उपकरणों द्वारा जो है बताया गया कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे, अग्नि उपकरणों को कैसे संचालित करेंगे और उसका प्रयोग बताया गया और सजीव जो है गैस सिलेंडर में आग लगा करके उनको बुझाने का तरीका बताया गया। सूबे में योगी सरकार सत्ता संभालने की गौकशी को रोकने के लिए अब बता दें कि स्टॉलर हाउसों को कार्रवाई की गई है, जिसमें सड़क पर गौकश वंशों की तादाद बढ़ गई है, जिसके बाद से निपटने के लिए योगी सरकार ने शहरों और गांवों में गौशालाएं लगाने के लिए भारी भरकट बजट जारी किया है, जिसमें सड़कों और खेतों में गौवंशों की तादाद कम की जाए, लेकिन मौजूदा दौर में सरकार बजट काफी साबित हो रही है। यह यूं कहे अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते योगी सरकार की मंशा परवान नहीं चढ़ पा रही है, जिससे आनंद मवेशी सड़कों से लेकर किसान के खेतों में खड़ी सड़कों से बीघा फसलों को तबाह कर रही है। और यही नहीं, योगी सरकार की बता दें कि मनश्री पूरी तरह से जाम हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान सर्द रात में भी खेत में रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। और अब खबर आपको बता दें कि यहाँ पर बता दें जिस तरीके से किसान जो है अब खेत में रहने को मजबूर है और इसको लेकर हम देखने को मिला है, वहीं आप बता दें कि अब थाना सरोवर क्षेत्र में घर से बाहर आग लगकर ताप रही लड़कियों को आपस में मजाक करना उस वक्त भारी पड़ गया जब कोरोसिन बता दें कि केरोसिन तेल में जलती हुई आग में डाला है। आग में तेज उड़ती लपटों को आग पर हाथ सेक रही पांच लड़कियां झुलस गई है। बता दें कि ये पांच लड़कियां आग सेक रही थी और इस दौरान आग में उन्होंने केरोसिन तेल डाला, जिसकी वजह से वे लड़कियां जो है वे झुलस गई है। घटना उस वक्त की है जब आग जलाने के समय लड़कियों ने दो ढक्कन केरोसिन डाला है आग में और इस दौरान बता दें कि जिसे तेल जो है उसमें आग तेल पे आग गिरने की वजह से ही आग की लपटें उठने लगी और पांच लड़कियों इसकी चपेट में आ गई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने आग में झुलसी लड़कियों को तुरंत अलीगढ़ के JN मेडिकल में भर्ती कराया है, जहां लड़कियों का इलाज लगातार जारी है और उनमें से लड़कियों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है।